हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं विनय पाठक आपके सामने लेकर आया हूं नीट 2008 का एक अच्छा क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों ये है, द वेव डिस्क्राइब बाय वाई इक्वल 0.25 साइन 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, इज ट्रेवलिंग अलोंग द। आप मतलब नहीं समझ पाए, इसका मतलब ये है कि हमको ये एक वेव की इक्वेशन दे रखी है। इस वेव की इक्वेशन को सॉल्व करके देख करके आप ये बताइए कि ये वेव किस डायरेक्शन में चल रही है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड लैम्डा इक्वल 0.2 मीटर। दूसरा दे रखा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड 0.25 मीटर एंड लैम्डा इक्वल 0.2 मीटर। थर्ड दे रखा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज और फोर्थ दे रखा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्ज एंड लैम्डा इक्वल 0.2 मीटर। पहले आप इस क्वेश्चन को उतार दीजिए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। उतारिए जरा इसको। तो बच्चों आपको वेव की इक्वेशन ये दे रखी थी, ठीक है। चलिए सबसे पहले जब आपको इस तरह से वेव दे रखी हो तो आप इस वेव की कंपैरिजन इस इक्वेशन से कराएं, y इक्वल a साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी से। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर और कर दे रहा हूं, अगर यहां साइन प्लस होता तो आप यहां प्लस लिख सकते थे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चों। मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन चलेगी। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, आप ये देख लेना कि के एक्स और ओमेगा टी अगर सेम साइन में है, सेम साइन के मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं, या के एक्स और ओमेगा टी नेगेटिव है तभी तो ये होगा सेम भाई, नेगेटिव ये भी होगा, नेगेटिव ये भी होगा, या पॉजिटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा। अगर ये दोनों सेम साइन में है, सेम का मतलब सेम, निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी निगेटिव एक्स डायरेक्शन। कहां होगी? निगेटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर के एक्स और ओमेगा टी अपोजिट साइन के साथ होंगे, मतलब हो सकता है ये प्लस में हो या ये माइनस में हो, या अगले केस में के एक्स निगेटिव हो या ओमेगा टी पॉजिटिव हो, तो जब ये अपोजिट होगा, कौन, के एक्स और ओमेगा टी अपोजिट होगा, तो बच्चों इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब सुनिए मेरी बात, अब आप अपने ऑप्शन को देखिए, अपने ऑप्शन में आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में ये आ रहा है। पहले क्वेश्चन समझो, यहां कौन सा साइन है, प्लस और यहां माइनस। अगर आप बच्चों कंपैरिजन कराओ तो के एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस का 10 पाई एक्स, और ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 पाई टी। मतलब यहां पर के एक्स, भाई के एक्स कितना है, यहां के एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 पाई एक्स, और किस साइन के साथ है, प्लस, और ओमेगा टी। आप यहां देखो, यहां भी प्लस साइन था, यहां भी प्लस। अच्छा इधर अगर देखोगे तो ओमेगा टी इधर माइनस, तो यहां माइनस है, यानी कि यहां किस साइन के साथ है, माइनस 2 पाई। कुल मिला के यहां प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ है। अब बताइए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होगा तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो आप अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सही हो सकते हैं, बाकी थर्ड और
जो आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा था उसमें निगेटिव एक्स डायरेक्शन लिखा है, तो ये निगेटिव वाला तो भैया नहीं होगा, आंसर होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब उसके आगे कुछ वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू का तो बात हम बाद में करेंगे, तो हम इसको पहले साफ कर दे रहे हैं, ये ट्रिक अपने दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम ऑप्शन बताते हैं इसका कैसे क्या सॉल्व होगा। बताओ यहाँ के एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ के एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 पाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ के की वैल्यू आ जाएगी 10 पाई, और आपने पढ़ा के इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा 10 लैम्डा, यानी कि 10 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2/10, इक्वल की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। क्या ये बात समझ आ रही है, यानी कि जिसमें लैम्डा की वैल्यू 0.2 मीटर होगी वो ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा अब इधर देखिए ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी की वैल्यू बच्चों 2π t, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल यहाँ 2π आ जाएगा, और ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2π f का मतलब फ्रिक्वेंसी, यहाँ इक्वल 2π, इस 2π को नीचे ले आओ, f इक्वल कितना आ जाएगा 2π अपॉन 2π, f की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1 हर्ट्ज, ठीक है। आपके चौथे ऑप्शन में फ्रिक्वेंसी पाई हर्ट्ज लिखा है, लेकिन आपके पहले ऑप्शन में जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि f की वैल्यू वो 1 हर्ट्ज है, और वेवलेंथ ये है, और डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन है। अब आप बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप इसको अपना समझ लीजिए, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।